Hello, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss one more simple machine, that is inclined plane. इससे पहले हम तीन प्रकार की जो simple machines हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं. Today we are going to discuss about the inclined plane. कल हमने lever के बारे में पढ़ा था, तो आज हम inclined plane के बारे में पढ़ेंगे. ये भी एक सिंपल मशीन है और देखते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करती है. चलिए, ए रैंप और इंक्लाइंड प्लेन, इसको रैंप भी कहा जाता है. आप लोगों ने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल है या घर में भी हमारे बाइक चढ़ाने के लिए हम एक रैंप बनवाते हैं बाइक या गाड़ी चढ़ाने के लिए, जिससे कि इजीली हमारी गाड़ी जो है वो घर में आ जाती है. इसी प्रकार से हॉस्पिटल में देखा होगा आपने कि स्ट्रेचर को ऊपर ले जाने के लिए हमें रैंप की आवश्यकता पड़ती है. उससे क्या होता है कि क्योंकि हैवी लोड उठाना उठा नहीं सकते, इसलिए रैंप पर अगर हम स्ट्रेचर को खींच के ले जाते हैं तो आसानी से ऊपर चला जाता है और आसानी से नीचे आ जाता है. ठीक है, तो वो रैंप जो है वही हमारा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है और वो हमारे वर्क को बहुत ईजी कर देता है. ए रैंप और इंक्लाइंड प्लेन इज ए सिंपल मशीन. इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन होती है विद ए स्लैंटेड सरफेस, जिसकी एक स्लैंटेड सरफेस होती है. ठीक है, इट हेल्प्स पीपल एंड थिंग्स मूव बिटवीन हायर एंड लोअर प्लेसेस. और ये ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को, किसी भी चीज को हाई यानी कि ऊंचाई तक ले जाने में और फिर नीचे लाने में, लोअर लाने में, है ना, लोअर सरफेस पर लाने में जो है सहायता करती है. इट टेक्स ए लॉट ऑफ फोर्स टू लिफ्ट. अगर हम उस चीज को सीढ़ियों के द्वारा या हाथ से उठाकर लेकर जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी हमें. लेकिन एंड मूव समथिंग, किसी भी चीज को उठाने में बहुत मेहनत लगती है, हैवी, बट इट्स मच इजियर टू पुश इट अप ए रैंप. लेकिन एक रैंप के, रैंप को खींचना ऊपर तक ले जाना फिर नीचे वापस लाना और उसके ऊपर कोई भी लोड हम आसानी से जो है लेकर जा सकते हैं. तो एक इंक्लाइंड प्लेन जो है ये भी एक सिंपल मशीन है जो कि हमारे वर्क को इजी करती है, इजी बनाती है हमारे कार्य को. आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारी मशीन है वो है पुली. आप लोगों ने देखा होगा कि एक गांवों में, विलेजेस में कुएं होते हैं. कुएं के ऊपर पहले तो पानी भरते थे तो बीच में एक जो है वो लगाया जाता था और जो उसके ऊपर रोप बांध दी जाती थी, वो पुली टाइप होता था कुछ, उसके ऊपर रोप बांध दी जाती थी और उस रोप को, रोप में नीचे एक बकेट लगा दी जाती थी और उस पुली के द्वारा ही जो है पानी को बाहर निकाला जाता था और फिर जब भरना होता था उस बकेट को कुएं के अंदर, वेल के अंदर नीचे डाल देते थे. और एक पुली एक मशीन होती थी, ठीक है, जिसके चारों तरफ जो है एक रोप को लपेट दिया जाता था. तो इस प्रकार की जो मशीन होती है उसको पुली कहा जाता है. देखिये, पुली इज मेड ऑफ ए व्हील ऑन ए एक्सल. ये एक व्हील जैसा होता है, जैसे एक पहिया हो, ठीक है, और एक उसमें बीच में एक एक्सल लगा हुआ होता है, जो हमने व्हील और एक्सल पहले पढ़ा था ना, उसी टाइप से, विद ए ग्रूव अराउंड इट्स. और इसके जो बीच में है एक ग्रूव बनी हुई होती है, खाई सी बनी हुई होती है. ठीक है, अराउंड इट्स सर्कमफेरेंस. जितने भी बड़ा वो व्हील होता है उसके अंदर की तरफ एक, जितना भी बड़ा हुआ होगा, जितना भी सर्कमफेरेंस उसका है, जितना भी स्थान है उसका, उसके अराउंड उसके जो है एक ग्रूव बनी हुई होती है, खांचा सा बना हुआ होता है. ए पुली इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. पुली हैवी ऑब्जेक्ट्स को
उठाने में, लिफ्ट करने में सहायता करता है। When used with a rope, जब इसको रोप के साथ यानी कि रस्सी के साथ जब इसको यूज किया जाता है तो हैवी से हैवी लोड भी आसानी से जो है उठाया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है। आगे देखो बच्चों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली सिस्टम्स। डिफरेंट टाइप के पुली सिस्टम्स पाए जाते हैं, दो आप लोग यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। फिक्स्ड पुली, एक होती है फिक्स्ड पुली जिसमें कि जो पुली है, जो व्हील है उसको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स्ड पुली इज फिक्स्ड एट वन प्लेस, एक जगह पर उसको फिक्स किया जा चला कर दिया जाता है। ए रोप इज पास्ड ओवर द पुली, और एक रोप जो है, एक रस्सी उसके आगे पीछे जो है वो मूव करती है। एंड बाय पुलिंग वन एंड ऑफ द रोप, एक साइड रोप की एक साइड को हम खींच सकते हैं, द वेट कम्स अप, ठीक है, जिससे कि जो वेट है उसको हम एक साइड से रस्सी के द्वारा खींचकर हम उसको वेट को उठा सकते हैं। दिस सिस्टम वर्क्स फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट्स, और ये सिस्टम जो है हैवी वेट को उठाने में जो है हेल्प करता है। एग्जाम्पल, इट इज कॉमनली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि कुएं से पानी खींचने में इसी प्रकार की पुली जो है यूज किया जाता है, यानी कि वो कौन सी पुली है, फिक्स्ड पुली, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है मूवेबल पुली। मूवेबल का मतलब जो मूव भी करता हो, ठीक है, उसमें भी एक इसी प्रकार की पुली लगी हुई है फिक्स्ड, लेकिन वो मूव भी करती है साथ में। किस प्रकार से, देखिए, ए मूवेबल पुली कैन मूव हैवी लोड्स। मूवेबल पुली हैवी लोड्स को उठाने में यूज की जाती है वेरी इजीली, बहुत इजीली वो भारी भारी सामानों को भी, हैवी लोड्स को भी उठा सकती है। इट डज द सेम वर्क एज द फिक्स्ड पुली डज, ये उसी प्रकार से वर्क करती है जिस प्रकार से फिक्स्ड पुली करती है, ठीक है, एक्सेप्ट इट कैन मूव। लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये फिक्स सॉरी ये मूवेबल भी होती है, ये मूव भी कर सकती है, ठीक है, मूव द वेट एज वेल, जो वेट उठाया है उसको ये मूव भी करा सकता है, ठीक है। फिक्स पुली में हमने देखा बकेट कुएं के अंदर डाली, वो बाहर आ गई, वो कहीं मूव नहीं की क्योंकि पुली हमारे फिक्स है। लेकिन मूवेबल पुली में क्या होता है कि पुली फिक्स है लेकिन वो मूव भी करा सकती है, जो है जो भी वेट उसके ऊपर है। आप लोगों ने क्रेन देखी होगी, एग्जाम्पल में क्रेन, क्रेन में देखा होगा, क्रेन एक पुली की तरह कार्य करती है, लेकिन उससे उसके द्वारा जो भी लोड उठाया जाता है वो लोड जो है चारों तरफ मूव भी कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो है यहाँ पर टू टाइप्स के पुलीज जो है वो पढ़ लिए हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक सभी को चैप्टर की आज रीडिंग करनी है।